और भी ज्यादा जोश से उठाइए अपनी जिम्मेदारी, शुरू करिए अपना खुद का काम विद क्रूसर प्राइवेट लिमिटेड। प्याजो आपे कार्गो एंड पैसेंजर थ्री व्हीलर टेम्पो अब डीजल पेट्रोल के साथ सीएनजी में भी उपलब्ध। आइए क्रूसर प्राइवेट लिमिटेड, अपोजिट रिलायंस मार्ट, नसीराबाद रोड, बिहारीगंज, अजमेर। भाई साहब अभी गजक का सीजन तो आ गया है, लेकिन क्या है, सर्दी बहुत लेट चालू हुई है। अभी समझो दिसंबर से महीना जाओ, उससे 5-10 दिन पहले ही सर्दी चालू हुई है। वैसे सीजन तो क्या दिवाली से पहले चालू होता है, लेकिन जो तेजी तो वो है ही नहीं। और दूसरी बात, इस बार भाव इतने तेज है, तिल्ली पिछली बार से 60-60 रुपये किलो महंगी है, गुड़ महंगा है, चीनी महंगी है, तो जो कमाई है वो अब दमदार रही नहीं। और सिर्फ कहने को काम सीजनल रह गया है, बाकी व्यापार तो ठीक है। अब जैसे अभी सीजन चालू हुआ है तो उसमें बहुत सारे टाइप की हम गजक बनाते हैं, जैसे कुरकुरी गजक आती है, बर्फी गजक आती है, मुरैना गजक आती है, पिस्ता गजक आती है, देसी घी की आगरा की पट्टी गजक आती है, पंजाबी रेवड़ी आती है, गुड़ के लड्डू आते हैं, चीनी के लड्डू आते हैं, मरोड़ी गजक आती है, बठिंडा गजक आती है, बठिंडा चिक्की आती है, पिस्ता चिक्की आती है, मतलब कम से कम 30-32 टाइप की गजक हम बनाते हैं। और सर्दी में खाने से क्या फायदा? सर्दी में तो ये तो आप लोगों को भी पता ही होगा कि डॉक्टर भी बोलते हैं कि गुड़ और सर्दी में गुड़ और तिल का सेवन किया जाना चाहिए, उससे क्या है कि स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। ये तो डॉक्टरों द्वारा ही कहा गया है, तो बाकी ये चीज काफी फायदेमंद रहती है सर्दी में। ये सारी मैन्युफैक्चरिंग हम खुद करते हैं, हर तरीके के, जहाँ के भी, जैसे मुरैना के कारीगर आते हैं, बठिंडा के कारीगर आते हैं, आगरा के कारीगर आते हैं, हर जगह के कारीगर मंगाते हैं, वो अपनी अपनी वैरायटी बनाते हैं। बस थोड़ा सा अगर सीजन में उठाव हो तो हम भी खुश रहें, लेकिन उठाव नहीं है वो सीजन में। मतलब जो गजक बनती है, गजक एक महीने तक खराब नहीं होती है, तो उसका अपन गजक का सेवन एक महीने तक कर सकते हैं, ये खराब होने वाली चीज़ नहीं है। जैसे मिठाइयाँ बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, तो गजक अपन एक महीने तक 40 दिन तक आराम से खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। पहले तैयारी करके लगते हो कि हिसाब से सीजन नहीं चला क्यों? जी जी, मतलब वो उठाव नहीं है सीजन में, लेकिन अभी हमारी मतलब हम ये चाहते हैं, हमारे लग रहा है कि अब जैसे अभी एक महीना और बचा है, जैसे संक्रांत आने वाली है, अभी एक महीना बचा है, तो वो यहाँ से भी अगर सीजन चल जाता है तो फिर भी हम थोड़ा देखेंगे कि अच्छा रहा, लेकिन अभी तक तो माहौल वो नहीं है। अच्छा, पहले ग्राहक कितने किलो ले जाता था, अब किस हिसाब से लेता है? लोगों की पेइंग कैपेसिटी में बहुत फर्क है। पहले लोग जैसे जो 5 किलो लेता था, आज वो 2 किलो ले जा रहा है, क्योंकि भाव तेज हो गए हैं। लेने वाले को 5 किलो ही लेनी है, लेकिन भाव तेज के चक्कर में वो 2 किलो ही ले रहा है। तो बस मेन ये है कि भाई महंगाई बहुत हो गई है, इसलिए। आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र मोटवानी, सेवमल गजक रेवड़ी भंडार, खारीकुई, अजमेर।